खुद अपने आप में शर्माती है विजय भैया। भैया ने मेरे साथ क्या किया और मैंने भैया के साथ क्या किया। मीना। हेलो, कौन? भाई साहब, मीना तो मेरे पास है। मीना कैसे हो सकती है, मीना तो यहाँ है। सूरज, सूरज कौन है? मैं नागिन हूँ जिसे तुम लोगों ने अपनी तरफ से खत्म कर दिया था। अगर अपनी बच्ची की जिंदगी चाहते हो तो ऊपर आओ और जो तुम्हारे गले में तावीज है उसे उतारो और बाहर फेंक दो, वरना तुम्हारी बच्ची की जिंदगी खतरे में है। सूरज, मैं तुम्हारी इस अमानत को अपनी जान से भी ज्यादा अजीज रखूंगा। मरने वाली नहीं, तुम तो मुझे मार कर भी जला कर भी तो क्या। लेकिन तुम मर के जिंदा कैसे हो गई? मैं दो जात के होते, एक जो बेवकूफ पैदा होते हैं, दूसरे जो बेवकूफ बनाए जाते हैं। नाग वाले बाबा का चेला पहली किस्म का बेवकूफ और तुम दूसरी रकम के। मैं उसकी आंखों में धूल छोक कर टोकरी से भाग गई थी और जिसे तुम लोगों ने चलाया वो मैं नहीं कोई और। लेकिन अब तेरी उम्र खत्म हो गई। ये लो और पढ़ो इसे। मैं इसे देखना भी नहीं चाहता। मुझे उस नागिन के जहर से मरना मंजूर है लेकिन अपने दोस्त की गद्दारी का सबूत पढ़ना मंजूर नहीं। नहीं राज, नहीं,
तुम्हें पढ़ना ही होगा, चलो और पढ़ो। अगर मेरा बस चलता तो मैं अपने दोस्तों की दौलत नहीं उनकी मौत अपने नाम लिखवा लेता। मुझे माफ कर दो विजय, मुझे गलतफहमी हो गई थी। खैर छोड़ो, भूल जाओ पुरानी बातों को। मेरा हाथ बचना। कहाँ? उस नागिन के पास। सुनो दोस्त, मरेंगे तो एक साथ, जिएंगे तो एक साथ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं विजय, ये काम सिर्फ मेरा है। उसने सिर्फ मुझे दावत दी है और मैंने भी फैसला कर लिया है मेरे दोस्त, आज के बाद उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं राज, नहीं, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा। मेरी कसम विजय, मुझे अकेला ही जाना होगा। ये काम सिर्फ मेरा है और इसे मुझे ही पूरा करना पड़ेगा। दोस्ती का आईना जब टूटता है तो कितना बुरा लगता है, जुड़ता है तो कितनी खुशी होती है ना? राजकुमार, आप ही हैं क्या? जी। और मुझे राजकुमारी कहते हैं। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। वेरी इंटरेस्टिंग, आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं आज लंदन से आ रही हूँ? मैंने तो ना आपको कोई फोन किया, ना खत लिखा, ना तार दिया। दिल के कुछ तार ऐसे होते हैं जिनसे वो खबरें भी मिल जाती हैं जो भेजी नहीं जाती। ग्रेट। तब तो आपको ये भी मालूम होगा कि मैं यहाँ क्यों और किस लिए आई हूँ? जी हाँ, आपको जिंदगी का एक बहुत बड़ा फैसला करना है और मैं उसके लिए तैयार हूँ। ये तो कमाल हो गया। मैं क्या सोच कर आई थी और क्या हो गया? अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, अभी तो आपने सिर्फ घर के अंदर पांव रखा है। मैंने सोचा था आपसे मिलना बड़ा ही बोरिंग होगा, कोई लल्लू किस्म का आदमी होगा जिसके पल्लू से मेरी मम्मी मुझे बांधना चाहती है, लेकिन खूब गुजरेगी। करेक्ट, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने। तो बैठिए। आप दूसरों को सूखे पर ही टाल देते हैं क्या? खुद पिए जा रहे हैं और दूसरों को पानी तक नहीं पूछते। आप क्या पिएंगे? आप क्या पी रहे हैं? शरबत जैसी चीज है, लेकिन शरबत से ज्यादा तेज। आप संभाल सकेंगी? मुझ पर जहर का असर भी नहीं होता। मुझे मालूम है।